दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में कोरोना वायरस ने विकराल रूप ले रखा है। कोरोना लगातार पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। आए दिन लोगों की कैजुअल्टी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच और इसी दौरान होने वाली ईद उल फित्र की नमाज को लेकर के, यानी कि ईद की नमाज को लेकर के एक बार शाही जो मस्जिद है उनके इमामों ने एक बड़ा ऐलान किया है। मस्जिदों के इमामों की तरफ से जो ऐलान किया गया, प्रशासन की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं, उसकी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कोरोना जैसी स्थिति में मस्जिदों में 5 से ज्यादा लोगों को नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं है मैक्सिमम जगहों पर। और इसी बीच ईद उल फित्र की नमाज आ रही है, और ईद उल फित्र की नमाज को ईदगाह में अदा करने के लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं, इसके साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी के जो शाही इमाम हैं, मस्जिदों के जो इमाम हैं, खास करके जामा मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने पूरे देश के मुसलमानों से अपील की है। उन्होंने अलग अलग वीडियो जारी कर मुस्लिम समुदाय से कोरोना वायरस महामारी की वजह से आगामी यानी आने वाली ईद उल फित्र की नमाज घर में अदा करने की अपील की है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और चांदनी चौक स्थित फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने वीडियो में मुसलमानों से अपील की है कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए ईद की नमाज अपने घरों के अंदर सभी के सभी मुसलमान पढ़ें। साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि मस्जिदों के अंदर 5 से ज़्यादा लोग नमाज के लिए ना जाएं। अगर कहीं भी जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और कोरोना और लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के तहत उनके ऊपर यानी कि मामला भी दर्ज किया जाएगा। तो ये ईद उल फित्र से पहले नया रूल और शाही मस्जिदों के इमामों की तरफ से रिक्वेस्ट यानी कि अपील की गई है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस अपील को मानिए, क्योंकि कोरोना जाति धर्म को नहीं देखता, और किसी को हो जाता है तो आप देख सकते हैं हालात कितने खराब चल रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में ना तो ऑक्सीजन मिल रहा, ना बेड मिल रहे हैं, ना फिर इलाज मिल रहा, ना डॉक्टर मिल रहे हैं। डॉक्टर पूरे अपने हॉस्पिटल्स को बंद करके बेचारे परेशान जो है अपने घरों में बैठे हुए हैं, या फिर अलग भाग चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप सभी लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए ही नमाज को अदा करें। आज के लिए इतना ही, मिलते कुछ और खबरों के